से वही प्रॉब्लम कि हीरो की स्प्लेंडर ले या फिर एचएफ डीलक्स दोनों ही BS6 में आ गए। तो आज मैं आपको 101% श्योर बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेटर रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले लेंथ विथ हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर में मिल जाने वाली है 2000 mm की लेंथ और जबकि एचएफ डीलक्स में आपको मिलने वाली है 1965 mm की लेंथ। अगर हम विथ के बारे में बात कर ले तो वहां पे दोनों में आपको 720 mm की विड्थ प्रोवाइड करवा दी जाती है, यानी कि सेमी विड्थ मिलती है दोनों में। लेकिन हाइट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे स्प्लेंडर एक थोड़ी 5 mm ज्यादा ऊंची, यानी कि स्प्लेंडर में आपको 1050 mm के हाइट मिल जाती है जबकि एचएफ डीलक्स में आपको मिलती है 1045 mm की, यानी कि स्प्लेंडर में 5 mm हाइट आपको ज्यादा मिल जाने वाली है। अब हम बात कर ले ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। इंडियन रोड कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए इन दोनों में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस टेस्टेड वही पुराना 116 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया गया हुआ है, यानी कि आपको खराब रास्ते या बड़े बम्परों में निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एचएफ डीलक्स है और जो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर के ग्राफिक्स में चेंज किया गया हुआ है और कोई भी चेंज स्प्लेंडर में नहीं है, और एचएफ डीलक्स में भी सिर्फ थोड़ी ज्यादा लुकिंग शार्प कर दी गई है, एरोडायनामिक पोजीशन अच्छी थोड़ी कर दी गई है और साथ ही में थोड़े ग्राफिक्स चेंज किए गए, दोनों में कोई भी ज्यादा चेंज नहीं। लेकिन BS6 इंजन होने की वजह से दोनों की माइलेज में चेंज होने वाला है। हालांकि मेरे कई दोस्त चला रहे BS6 इंजन वाली बाइक, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास स्प्लेंडर है और स्प्लेंडर तकरीबन 65-70 का आसानी से माइलेज निकल के दे देती है, जबकि एचएफ डीलक्स 70-75, यानी कि अगर आप माइलेज को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं तो आपके लिए एचएफ डीलक्स एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात कर लें दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोनों में आपको 100cc का इंजन मिल जाएगा जो कि दोनों में आपको 8 PS की पावर और 8.5 नैनोमीटर का टॉर्क, यानी कि दोनों ही बाइक में सेम इंजन मिल जाने वाले हैं और दोनों ही बाइक का इंजन i3 सिस्टम के साथ आने वाले हैं, यानी कि दोनों ही बाइक अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो 7 सेकंड में आपका इंजन ऑफ हो जाएगा, क्लच दबाने पर ऑटोमेटिक आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इससे आपको माइलेज में भी थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी इस सिस्टम के मद्देनजर रखते हुए। अगर हम बात करें तो दोनों में ही 130 mm का फ्रंट और रियर ब्रेक दे दिए गए, ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, डिस्क ब्रेक जरूरत भी नहीं है और कंपनी ठीक भी कर रहे ना देखे। और दोनों में IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, एक ब्रेक दबाए दोनों ही टायरों पे सेम प्रेशर अप्लाई होगा, ये सिस्टम दोनों ही बाइक में मिल जाने वाले हैं क्योंकि अब इसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया किसी भी बाइक के लिए और कार के लिए भी। तो अब हम बात कर ले जहां पे लाइटिंग सेटअप के बारे में। तो स्प्लेंडर में आपको मिल जाने वाले हैलोजन हेडलैम्प डे एंड नाइट रनिंग और एचएफ डीलक्स में भी सेम हैलोजन हेडलैम्प डे एंड नाइट रनिंग, चारों के चारों इंडिकेटर बल्ब वाले, और रियर में आपको स्प्लेंडर में मिल जाता है LED टेल लैंप, जबकि जो एचएफ डीलक्स है वहां पे मिल जाता है आपको बल्ब। बस दोनों में रियल लाइट में ही चेंजेस है और कोई चेंज नहीं किए गए हुए। अब हम बात कर लेंगे सस्पेंशन सेटअप, यानी कि खराब रास्तों पे अगर आप चलते हैं तो वहां पे विच वन इज बेटर ऑप्शन फॉर यू, कि आपके लिए कौन से बेहतर रहने वाले। तो स्प्लेंडर में आपको फ्रंट में दिए जाते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन विद शॉक एब्जॉर्बर, जबकि एचएफ डीलक्स में भी आपको सेम फ्रंट सस्पेंशन सेटअप टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक विद शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है। अब हम बात कर ले रियर सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो वहां पे स्प्लेंडर आपको प्रोवाइड करके देती है 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन, और एचएफ डीलक्स में आपको मिल जाता है 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यानी कि अगर आप खराब रास्तों पे चलते हैं, मोटे मोटे तौर पे बात कर लो, इतनी टेक्निकल चीजों में नहीं घुसते, तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप खराब रास्तों पे चल रहे हैं, अगर आप रियर में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो वहां पे आपको स्प्लेंडर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगी इन कम्पेयर टू HF डीलक्स। अब हम बात कर ले कि इन दोनों में से आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। इतनी सारी टेक्निकल बातें तो हो चुकी है, तो भाई साहब पहले तो सबसे पहले बात कर ले लुक दोनों के बेहतर ही है, लेकिन अगर आप मॉडिफिकेशन के दीवाने, यानी कि आपको बाइक में नई नई चीजें डलवाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको सीधा ऑप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ स्प्लेंडर की तरफ चले जाइए बिना देखे, क्योंकि स्प्लेंडर और रॉयल एनफील्ड बुलेट ये कहाँ से घुसी है नहीं बता, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो स्प्लेंडर है और बुलेट है उन दोनों बाइक को इसी तरीके से बनाया गया है ना। आप सभी ने देखा होगा कि बुलेट में भी बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन होते हैं और स्प्लेंडर में तो उससे भी ज्यादा। कोई भी मॉडिफिकेशन आप करवा लो अपने स्प्लेंडर में, आपकी स्प्लेंडर आपको बेहतरीन लुक ही प्रोवाइड करेगी। मैंने देखा है कहीं तो बहुत बड़े बड़े टायर लगवा देते हैं, KTM वाले इंडिकेटर डलवा देते हैं, लेकिन स्प्लेंडर का लुक और ज्यादा अच्छा लगने लगता है किसी भी मॉडिफिकेशन के बाद भी। और अगर हम बात कर ले HF डीलक्स के बारे में, तो ज्यादा मॉडिफिकेशन वहां पे मत करवाना, क्योंकि उसको
मॉडिफिकेशन के लिए बना ही नहीं गया, और स्प्लेंडर एक यूथ सेंसेशनल है, इसीलिए उसे यूथ को ज्यादा देखते हुए डिजाइन किया गया हुआ है पहले से ही, इसलिए उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन चलता है। हालांकि दोनों के ही लुक्स अच्छे खासे, दोनों आपको अच्छी खासी राइडिंग भी प्रोवाइड कर देगी, दोनों में ही लाइटिंग या स्पीडोमीटर दोनों में ही एनालॉग स्पीडोमीटर दोनों में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी सारी चीजों में दोनों ही बाइक नेक टू नेक है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपको लुक की चॉइस करना है। अगर एवरेज की प्रेफरेंस रखते हैं आप, तो आपको HF Deluxe के बारे में जरूर से एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो आपको ज्यादा अच्छी एवरेज निकाल के देगी। लेकिन खराब रास्तों के लिए स्प्लेंडर बेहतर है, इसीलिए आपको देख लेना है आप कहां पे चलते हो, किस तरीके से काम है आपका, आपके लिए कौन से बेटर रहने वाले हैं। लेकिन यहां पे हम प्राइसिंग की बात करें, तो प्राइसिंग में यहां पे स्प्लेंडर की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि स्प्लेंडर का जो टॉप एंड मॉडल है वो आपको 73,000 में मिल जाने वाला है, जबकि HF Deluxe का टॉप एंड मॉडल आपको 66,000 में मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं तो भाई साहब, दोनों ही बाइक अच्छी है। स्प्लेंडर में मॉडिफिकेशन के बाद वो अच्छी लगती है और फेमस भी है, लोग ज़्यादा बिकती भी है इन कम्पेयर टू HF Deluxe। लेकिन HF Deluxe एक बेटर पैकेज रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आप देखो 66 और 73 बहुत ही बड़ा प्राइस डिफरेंस है, और दोनों में ज़्यादा कोई तो चेंज नहीं है। अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करवाना तो आप चले जाइए HF Deluxe की तरफ, क्योंकि वो माइलेज भी ज़्यादा निकाल के देगी, 5-6 हज़ार आपको प्राइस भी कम देनी पड़ेगी। हालांकि स्प्लेंडर में सिर्फ एक थोड़ा ही आरामदायक 1% इन कम्पेयर टू HF Deluxe ज़्यादा अच्छी राइडिंग मिल जाती है, लेकिन उसे इग्नोर करके आप HF Deluxe की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल फैसला था, अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने।